अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ज़ीरा पुलाव बनाने की रेसिपी। ज़ीरा पुलाव बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो नोट कर लीजिए। यहाँ मैंने लिया है 1.5 कप राइस। यहाँ पे लिए हैं मैंने कुछ साबुत मसाले, ज़ीरा 1 टीस्पून, दालचीनी 2 पीसेस, काली मिर्च 5 से 6 अदद, लौंग 3 से 4 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, तेज़पात 2 अदद। साथ ही मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, कोरिएंडर, ग्रीन चिलीस, और यहाँ मैंने लिया है टोमेटोस 1 मीडियम साइज। आइए चलिए अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आइए चलिए मैं आपको अपने पुलाव की रेसिपी बताती हूँ। यहाँ मैंने एक पैन में लिया है ऑयल। ऑयल हमारा गरम हो रहा है। आगे मैं इसमें ऐड करूँगी साबुत मसाले, जिसमें मैंने ली थी 2 तेज़पात, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची। इन सभी मसालों को ऐड करूँगी इस तेल में। अब यहाँ मैं ऐड करूँगी अनियन। यहाँ मैंने कट करके रखा था 1 मीडियम साइज अनियन, बारीक स्लाइस कर लिया था इसको मैंने। अनियन को करूँगी मैं मिक्स, करूँगी गोल्डन फ्राई। हमारी अनियन हो गई है गोल्डन फ्राई। अगर आप चाहते हैं कि आपका पुलाव का कलर डार्क बने तो आप इसको और मज़ीद डार्क कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं आपके पुलाव का कलर लाइट बने तो आप इसको लाइट गोल्डन ब्राउन रख सकते हैं। अब यहाँ मैं ऐड करूँगी टोमेटोस। यहाँ मैंने इसमें ऐड कर दिया है टोमेटोस। टोमेटोस के ऐड किया है लिटिल बिट ऑफ वाटर। करूँगी इसको 5 मिनट्स के लिए कवर। आप देख सकते हैं टोमेटोस हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी जितने 1.5 ग्लास मैंने राइस लिया था, तो 1.5 ग्लास उसके ऊपर मैं उस पानी डालूँगी, मतलब 2.5 ग्लास पानी डालूँगी। 2.5 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। अब मैं जो है इसको बॉयल आने तक पकाऊँगी। ओके, पानी में बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट। यहाँ मैंने लिया था 1 टेबल स्पून सॉल्ट। यहाँ कर दिया मैंने अच्छी तरीके से मिक्स सॉल्ट को। अब मैं इसमें ऐड करूँगी राइस। यहाँ मैंने चावल को इसमें ऐड कर दिया है। चावल में जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इसका आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। चावल में बॉयल आना शुरू हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ चावल का पानी सूखने लग गया है। अब मैं इसको कवर करके दम पे रखूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं इस स्टेज पे मैं इसको कवर कर रही हूँ 10 to 15 मिनट लो फ्लेम पे। 10 to 15 मिनट्स हो गए, आइए चले चेक कर लेते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं पुलाव बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे करूँगी गार्निश। करिए ग्रीन चिलीस, साथ ही ऐड करूँगी कोरिएंडर। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा पुलाव बना है, और आप भी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपने फीडबैक्स देते रहिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।